इंदौर शहर में भी कोलकाता जैसी घटना होने से बची। यहां नशे में धुत अटेंडर ने महिला डॉक्टर के ड्यूटी रूम का दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। जानकारी के मुताबिक दो दिन पहले रात को ड्यूटी कर रही महिला डॉक्टर अपनी ड्यूटी रूम में थी, तभी कथित तौर पर नशे की हालत में अटेंडर ने ड्यूटी रूम का दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। इसके बाद मौजूदा डॉक्टरों ने अस्पताल में अधिक सुरक्षा की मांग की है। हालांकि घटना के बाद प्रदेश के सबसे बड़े शासकीय अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि यह एक बहुत दुखद घटना है। डॉक्टर हमारे भगवान स्वरूप है और इस प्रकार का अभद्र व्यवहार डॉक्टर से करना बिल्कुल भी सही नहीं है। इस पर जाँच करने के लिए कह दिया गया है, जल्द ही जाँच की रिपोर्ट आ जाएगी। बहरहाल अस्पतालों में सुरक्षा बढ़ाने का कलेक्टर द्वारा लिया गया निर्णय एकदम सही है। यह कहना भी गलत नहीं होगा कि रात के समय में अस्पताल में कोई भी सुरक्षित नहीं है। इंदौर से राजीव टाइम्स की रिपोर्ट। बहुत दुखद घटना है। डॉक्टर्स देवतुल्य हैं, हम देवता के समान मानते हैं और ऐसी ही वो सेवा भी करते हैं। उनके साथ दुर्व्यवहार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। मैंने पुलिस डिपार्टमेंट में भी बात की है, कठोर कार्रवाई करने के लिए कहा है। और लोग नशा करके या अन्य परिस्थिति में डॉक्टर से दुर्व्यवहार करेंगे तो कठोर कार्रवाई होगी। पूरी सिक्योरिटी दिलानी ही चाहिए। डॉक्टर जिस प्रकार की सेवा करते हैं उनका सुरक्षित रहना बड़ा ज़रूरी है।